नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, फार्मर्स लव के आपके अपने परिवार पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ एक बार फिर से। और जैसा कि अपनी 3 क्लासें पहले हो चुकी है और उसमें अपन ने बहुत ही अच्छा मैटर कवर किया है, और अब अपनी आज 4थी क्लास है। पहले जो 3 क्लासों में अपन ने फर्स्ट में प्लांट पैथोलॉजी का जनरल इंट्रोडक्शन देखा था, फिर अपन ने सिंपल टर्मिनोलॉजी देखी थी, फिर अपन ने हिस्ट्री पढ़ी थी अपने प्लांट पैथोलॉजी से रिलेटेड, और उससे पहले अपन ने फादर्स पढ़ लिए थे, सब टोटल एक साथ पढ़ लिए थे। और आज अपन थोड़े बहुत साइंटिस्ट वगैरह और हिस्ट्री थोड़ी बहुत बच रही है, और डिजीज की भी हिस्ट्री बच्ची है थोड़ी बहुत, वो अपन कवर कर लेंगे आज की क्लास में। तो चलते हैं आज अपनी क्लास में। फर्स्ट है अपन आज वापस थोड़े बच रहे वो साइंटिस्ट पढ़ लेते हैं, तो इसी में फर्स्ट है क्लूसियस। क्लूसियस नाम का एक साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या किया था कि फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट लिखा था प्लांट पैथोलॉजी के ऊपर या फंजाई के ऊपर। तो लिखेंगे अपन फर्स्ट मोनोग्राफ ऑन फंजाई या प्लांट पे, तो लेते कब लिखा था इन्होंने, 1601 में, 1601। और नाम क्या था उसका, रोरेयम, रोरेयम प्लांटेरियम हिस्टोरियम। और ये जो अपना था ये रिटर्न डॉक्यूमेंट था एक, रोरेलियम प्लांटेरियम हिस्टोरियम मोनोग्राफ जो ये था रिटर्न डॉक्यूमेंट था, फर्स्ट रिटर्न डॉक्यूमेंट ऑन प्लांट पैथोलॉजी। ठीक है, क्लूसियस फर्स्ट मोनोग्राफ ऑन फंजाई प्लांट पैथोलॉजी 1601 में इन्होंने लिखा था, और नाम था इसका रोरेरियम प्लांटेरियम हिस्टोरियम। ठीक है, अभी अपने वाइनोगेटिस की सेकंड क्या है अपने वाइनोगेटिस की फादर ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, या ऐसा बोल सकते हैं फादर ऑफ, या इन्होंने नाइट्रोजन फिक्सेशन एबिलिटी जो रूट नोड बैक्टीरिया उसकी डिस्कवरी की थी, डिस्कवर्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी ऑफ रूट नोट बैक्टीरिया। डिस्कवर द नाइट्रोजन फिक्सेशन एबिलिटी ऑफ रूट नोड बैक्टीरिया। ठीक है, सेकंड है इनको फादर ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। क्या है अपना नाइट्रोजन फिक्सेशन, अनअवेलेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन को अवेलेबल फॉर्म ऑफ प्लांट, प्लांट जिस फॉर्म में उसको अपटेक करता है उस फॉर्म में कन्वर्ट करना, क्या क्या कहलाता है अपने नाइट्रोजन फिक्सेशन। और इनको फादर ऑफ ठीक है,
वाइनोग्रेडेस की अपने रूट नोड बैक्टीरियम नाइट्रोजन फिक्सेशन एबिलिटी को इन्होंने डिस्कवर किया था, और फादर ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन भी इनको ही बोलते हैं, और फादर ऑफ सोइल माइक्रोबायोलॉजी और नाइट्रिफिकेशन साइकिल की डिस्कवरी भी इन्होंने की थी। ठीक है, अनअवेलेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन को कन्वर्ट अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। और इसमें बैक्टीरिया कौन से काम आते हैं, नाइट्रोसोमोनास एंड इसमें कौन से नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, किसमें किसमें कन्वर्ट करता है, नाइट्राइट, क्या बोलेंगे इसको, नाइट्राइट देन नाइट्रेट। ठीक है, ये नाइट्रेट जो है इसी फॉर्म में प्लांट्स रूट अपटेक करती है नाइट्रोजन को, अवेलेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। समझ में आया, जैसे अपन को कोई आटा खिलाएगा तो खाएंगे थोड़ी क्या, पूरा प्रिपेयर फूड बनना चाहिए, वैसे सिमिलर डायरेक्ट ये इस फॉर्म में अपटेक नहीं कर सकते प्लांट, कुछ कुछ कर सकते हैं, जैसे एक तो आपने NH4 है, एक ये होता है अमोनिया, NH4 अमोनियम, राइस, टोबेको एंड शुगर केन, ये नाइट्रोजन को किस फॉर्म में अपटेक करते हैं, अमोनियम आयन के फॉर्म में। ठीक है, और बाकी जितने भी हैं वो नाइट्रेट के फॉर्म में अपटेक करते हैं, अमोनिया से नाइट्राइट बनी किसकी प्रेजेंस में, नाइट्रोसोमोनास, और नाइट्रेट से नाइट्रेट बनी किसकी प्रेजेंस में, नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। नेक्स्ट चलते अपन, ईएफ स्मिथ, डिस्कवर क्रोन गोल डिजीज, कौन सी डिजीज की डिस्कवरी की, नहीं क्रोन गोल डिजीज, क्या है कौन सा, क्या है इसका, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस डिस्कवर्ड ऑफ क्रोन गोल डिजीज, किससे होती है, बैक्टीरिया से, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस। ठीक है, नेक्स्ट है अपना नोल एंड रस्का, क्या है नोल एंड रस्का, दो साइंटिस्ट है, क्या किया था इन्होंने, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है उसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्लास में कमेंट पढ़े थे मैंने, राइटिंग का इशू आ रहा है, राइटिंग को भी सुधारेंगे, समझने की कोशिश करना, कभी बोलता जा रहा हूँ मैं साथ का साथ, अगर जिसको समझ में नहीं आया वो बोल रहा हूँ उससे लिख लेना, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, और इन्होंने और एक और चीज बताई थी, ही ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर कर लिया तो किसको ऑब्जर्व करेंगे, किसको देखेंगे, वायरस को, और क्या बताया था इन्होंने वायरस को देख के, ही ऑब्जर्व
डेट टीएमवी, टोबो टोबेको, मोजेक वायरस इज रोड शेप। कौन सा शेप बताया था उन्होंने टीएमवी का, कि टीएमवी एक रोड शेप का है, वायरस है, इज रोड शेप। ठीक है, किसने बताया था? नोलन रस्का ने। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किसने की थी? नोलन रस्का ने। कंप्लीट। अभी अपना मोरेल एंड मार्टिन, इन्होंने जो इन्होंने कहा था कि जो वायरस फ्री प्लांट जो होते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर में, जो वायरस फ्री प्लांट, वायरस फ्री प्लांट जो प्लांट कर लेते हैं, वो अपन किससे लेते हैं? टॉप शूट्स। तो क्या कहा था इन्होंने? वायरस फ्री प्लांट जनरेट फ्रॉम मेरिस्टेम टिप कल्चर। मेरिस्टेम टिप कल्चर, मेरिस्टेम टिप कल्चर क्या होता है? जैसे ये कोई भी अपना प्लांट है जिसका टॉप पोर्शन है रिसेंटली डेवलप हुआ होगा, टॉप पोर्शन, जैसे ऊपर ऊपर की जो पत्तियां आती है सबसे पहले वही, सबसे नई पत्तियां वही होती है, तो उनपे सबसे कम चांस रहते हैं कि कोई पेस्ट इंसेक्ट से इंसेक्ट या उनका इंसिडेंस रहे। तो अपन किसी भी प्लांट टिश्यू कल्चर में किसी भी प्लांट का जो पार्ट ले रहे हैं वो कौन सा लेंगे? मेरिस्टेम टिप कल्चर या ऊपर टॉप शूट। ठीक है, तो यहाँ का जो मेरिस्टेम टॉप टॉप पार्ट होगा वो अपन किसमें लेंगे? प्लांट टिश्यू कल्चर। वायरस फ्री प्लांट ऑप्टेन, सॉरी जनरेट ऑप्टेन फ्रॉम मेरिस्टेम टिप कल्चर फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर। किसने बताया था ये? मोरेल एंड मार्टिन ने। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप ने कैसेंस, साइंटिस्ट का नाम क्या है? कैसेंस, KASSINNIS। ठीक है, क्या किया था इन्होंने? डिस्कवरी ऑफ सैटेलाइट वायरस। बिल्कुल धीरे धीरे आराम से समझ के पढ़ रहे अपन, आराम से पढ़ना है कोई नहीं, बस समझ में आना जरूरी है। डिस्कवरी ऑफ सैटेलाइट वायरस। अब सैटेलाइट वायरस क्या होता है आगे समझते हैं इसको अगली स्लाइड में। सैटेलाइट वायरस वो वायरस जिसमें खुद की रेप्लिकेटिंग जीन अब्सेंट हो, ठीक है, और उसे एक हेल्पर वायरस की जरूरत पड़े फॉर रेप्लिकेशन। तो क्या बोलेगा उस वायरस को? उसको रेप्लिकेशन करने के लिए उस हेल्पिंग वायरस के आगे पीछे घूमना पड़े, और वह आगे पीछे घूमता घूमता बोलेगा भैया 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 रेप्लिकेशन करवा दो ना मेरा। तो उस वायरस को अपन क्या बोलेंगे? सैटेलाइट वायरस। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस
आरएनए वायरस, पोल्स, रेप्लिकेशन, सेल्फ रेप्लिकेटिंग जीन, कैटिन जीन अपसेट, ठीक है। इसकी जो जीन का जो न्यूक्लियोटाइड की लेंथ है कितनी हो, 500 से 2000 न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इसके जेनेटिक मटेरियल को अपन क्या बोलेंगे, सेटेलाइट वायरस के जेनेटिक मटेरियल को अपन बोलेंगे वायरसोइड। जेनेटिक मटेरियल ऑफ सैटेलाइट वायरस इज कॉल्ड वायरसोइड। खुद का अपना कोई भी रेप्लिकेटिंग जीन नहीं है, और इसको एक एक चीज और लिख लो, नीड हेल्पर वायरस, फॉर फोटोकॉपी ऑफ आरएनए, या इसको ऐसा बोलते हैं रेप्लिकेशन। ठीक है, खुद का अपना कोई भी रेप्लिकेटिंग जीन नहीं है, हेल्पर वायरस के आगे पीछे घूमेगा कि भैया रेप्लिकेशन करा दो मेरा, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, सेटेलाइट वायरस। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट है अपना टीओडाइनर। क्या किया था इन्होंने, डिस्कवरी ऑफ वायरोइड। वायरोइड, वायरोइड क्या होता बताया था मैंने आपको, वायरस विच लैक ऑफ प्रोटीन। सिर्फ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा इन्होंने, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन लेक होगा। जैसे तीन चीजें बताई थी मैंने आपको, वायरस, वायरोइड एंड प्रायोन्स। ठीक है, सिंपली लिखवा रहा हूं, लिख लेना कभी भी काम आएगा। एक होता है अपना प्रोटीन और एक होता है अपना न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड एन ए लिख रखा है न्यूक्लिक एसिड, या इसको जेनेटिक मटेरियल भी लिख लेना आप। ठीक है, वायरस में ये दोनों प्रेजेंट होते हैं, वायरस में ये दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और वायरोइड में क्या प्रेजेंट होता है, सिर्फ न्यूक्लिक एसिड अपना जेनेटिक मटेरियल, और ये एब्सेंट होता है इसमें प्रोटीन। ठीक है, और प्राइम्स में क्या प्रेजेंट होता है, सिर्फ प्रोटीन, जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड इसमें एब्सेंट होता है। ठीक है, सिर्फ प्रोटीन प्रेजेंट है, न्यूक्लिक एसिड अब्सेंट। ठीक है, ये माइनस का निशान है मतलब अब्सेंट है। ठीक है, तो टीओडाइनर किसकी डिस्कवरी की थी, डिस्कवरी ऑफ वायरोइड, वायरसेस विच लैक ऑफ प्रोटीन। नीचे लिख दो इस पे, वायरसेस विच लैक ऑफ प्रोटीन। ठीक है, एग्जाम्पल इसका पोटैटो, स्पिंडल, ट्यूबर, मोज़ेक। ठीक है, ये जो चीजें अपने अलग लिख लेना, यहाँ पे बीच में मत लिखना, ये पूरा कहीं भी कॉपी के ऊपर खाली स्पेस है ना, वो इसी चीजों के लिए दिया जाता है, इन्हीं चीजों के लिए। कोई भी चीज में भूल जाऊँ और बाद में लिखाऊँ, उन्हीं चीजों के लिए खाली स्पेस आपको कॉपी के ऊपर देते हैं, तो ये ऊपर लिखना, उसके बीच में मत लिख देना। ठीक है,
नेक्स्ट अपना रोई, क्या नाम है, बड़ा अजीब नाम है इनका, रोई। डिस्कवरी ऑफ एमएलओ, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, फाइटोप्लाज्मा जिसको बोलते हैं। रोई ने क्या किया था, डिस्कवरी ऑफ एमएलओ, माइकोप्लाज्मा। इसका मतलब क्या है, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और इसको अपन क्या बोल सकते हैं, फाइटोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा, ठीक है, टी है। नेक्स्ट है अपना विंसर एंड ब्लेक, नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन सा, विंसर एंड ब्लेक, ठीक है। क्या किया था इन्होंने, डिस्कवरी ऑफ आरएलओ, रिकेट्सिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ऑफ आरएलओ। आरएलओ का क्या मतलब होता है, रिकेट्सिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और इसको ये जो नेम है, ओल्ड नेम है, इसको अपन अभी क्या बोलते हैं, एफवीबी, फेस्टिडियस वेसिकुलर बैक्टीरिया, ठीक है, ये ओल्ड नेम है, इसको अभी अपन नाउ, इसे नाउ करके लिख देना, नाउ या न्यू करके लिख देना, ठीक है, नाउ करके लिख रहा हूँ, एफवीबी। क्या मतलब है इसका, फेस्टिडियस वेसिकुलर बैक्टीरिया, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका, आरएसबी, रातुल डिस्टेंट ऑफ शुगर गैन। क्या एग्जाम्पल, रातुल स्टेंटिंग ऑफ शुगर गैन किससे होता है, क्लेविबैक्टर ज़ाइले, कोजल ऑर्गेनिज्म का, क्लेविबैक्टर ज़ाइले, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप ना डेविस, ये लिख लो दोनों, क्या किया था इन्होंने, डिस्कवर्ड स्पायरोप्लाज्मा, स्पायरोप्लाज्मा की डिस्कवरी किसने की थी, डेविस ने, DEVIS, डेविस डिस्कवर्ड स्पायरोप्लाज्मा। क्या एग्जांपल इसका, डिजीज सिट्रस स्टबर्न डिजीज, सिट्रस स्टबर्न डिजीज, ठीक है। क्या कॉजल ऑर्गेनिज्म है इसका, स्पायरोप्लाज्मा सिट्रियाई, स्पायरोप्लाज्मा सिट्रियाई, ठीक है, CITRI सिट्रियाई। एक और एग्जांपल है इसका, नेक्स्ट स्लाइड चेंज करेगा, इधर लिख देते, नेक्स्ट एग्जांपल, ये फर्स्ट एग्जांपल ये हो गया,
सेकंड एग्जांपल, कॉन स्टंट डिजीज, कोजल ऑर्गन क्या है इसका, स्पाइरो स्पाइरोप्लाज्मा कुंकेली, के यू एन के ई एल आई, स्पाइरोप्लाज्मा कुंकेली, ठीक है। नेक्स्ट चलते अपन एम के पटेल, क्या नाम है साइंटिस्ट का, एम के पटेल। ही एस्टेब्लिश्ड फर्स्ट स्कूल ऑफ फाइटोबैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। क्या किया था इन्होंने, एक स्कूल खोला था फाइटोबैक्टीरियोलॉजी का फर्स्ट, कहां पे किया था इन्होंने, पुणे महाराष्ट्र। ही एस्टेब्लिश्ड स्कूल ऑफ फाइटोबैक्टीरियोलॉजी, कहां पे किया था इन्होंने, पुणे महाराष्ट्र। एमएच महाराष्ट्र, ठीक है। फाइटोबैक्टीरियोलॉजी का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ बैक्टीरियल डिजीज जो कि प्लांट को अफेक्ट करती है, स्टडी ऑफ बैक्टीरियल डिजीज विच अफेक्टेड प्लांट, ठीक है। क्या मतलब है फाइटोबैक्टीरियोलॉजी का, लिख लो यहाँ पे साइड में, स्टडी ऑफ बैक्टीरियल डिजीज विच अफेक्ट प्लांट, ठीक है। इन्होंने एक बैक्टीरिया की न्यू स्ट्रेन बताई थी, डिस्कवर ऑफ न्यू स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, वो कौन से, ज़ेंथोमोनास कंपेस्ट्रिस स्पीसीज यूपोलाई, सब स्पीसीज यूपोलाई, ठीक है। ही डिस्कवर अ न्यू स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया विच इज, या नीचे लिख देना बैक्टीरिया कौन सी है, ज़ेंथोमोनास कंपेस्टिस सब स्पीसीज यूपोलाई, यूपोलाई यू पी ओ एल आई, ठीक है। इसको ऐसा लिखना, पेथोवार पीवी पीवी यूपोलाई, ठीक है। ज़ेंथोमोनास कंपेस्टिस पीवी यूपोलाई, कौन सी नई, ये एक न्यू स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया है, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, ये डिस्कवरी ऑफ न्यू स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, कौन सी थी, ज़ेंथोमोनास कंपेस्टिस पीवी यूपोलाई, ठीक है। ये लगभग अपने हिस्ट्री में साइंटिस्ट लगभग कंप्लीट हो गए, तो अपने थोड़ी डिजीज की हिस्ट्री बच रही थी वो अपन देख लेते हैं, एक तो अपन डिस्कस भी कर लेते हैं, एक दो तो और दो तीन और है उसकी डिस्कस, उसका डिस्कशन हम कर लेते हैं अभी, ठीक है।
फर्स्ट अपना आयरिश फेमाइन लेंगे, दो 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 बार तो पढ़ लिया होगा लगभग आयरिश फेमाइन, ये तो आपको याद होनी चाहिए, दो बार पढ़ लिया। इससे आई थी ड्यू टू लेट ब्लाइट लेट ब्लाइट ऑफ पोटेटो, कहां पे आई थी? आयरलैंड यूके में। आयरलैंड यूके, ठीक है। कब आई थी? 1945 से लगाकर 52 तक, सॉरी 1845 से लगाकर 52 तक, 1845 से लगाकर 52 तक चली थी, ठीक है। हाईली डैमेज कब देखने को मिला था इसका? 1847, ठीक है। 1847 किससे होती है? अपने फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस, कोजल ऑर्गेनिज्म इसका, फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस, ठीक है। और ये जो डिजीज आई थी उसके बाद थी अपने ब्रांच जो है प्लांट पैथोलॉजी, उसका एवोल्यूशन हुआ। ड्यू टू लिख देना यहाँ पे, ड्यू टू दिस डिजीज अ ब्रांच ऑफ प्लांट पैथोलॉजी वर ओरिजिनेटेड, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप ना, कौन सी डिजीज? कॉफी रस्ट, कॉफी लीफ रस्ट, ठीक है। इसको फर्स्ट जो रिपोर्ट किया गया था कहाँ पे? सबसे पहले कहाँ पे आई थी? अफ्रीका में। कब आई थी? 1861 में फर्स्ट रिपोर्टेड इन अफ्रीका, कब? 1861। हाईली एपिडेमिक कब हुई थी? 1869 में। कहाँ पे? सीलोन श्रीलंका में, ठीक है। और इंडिया में कब आई थी? 1870 में। कहां से आई थी? सीलोन श्रीलंका से। किससे होती है? हेमेलिया वेस्टाटिक्स, ठीक है। लिख दो यहां पे, फर्स्ट एपिडेमिक, एपिडेमिक का मतलब तो जानते हो ना, सेवर फॉर्म में epidemic reported in 1869 at
सीलोन श्रीलंका। ठीक है, इंडिया में कब आई थी? इन इंडिया रिपोर्टेड इन 1870। किस कहां से? श्रीलंका से। ठीक है, इन इंडिया रिपोर्टेड इन 1870 फ्रॉम श्रीलंका, श्रीलंका। ठीक है, क्या एक ओवरऑल नाम क्या इसका? हेमेलिया वेस्टेटिक्स, हेमेलिया वेस्टेटिक्स। डिस्कवरी किसने की थी इस डिजीज की? कल लिखाया था मैंने आपको, वार्ड ने। एंटोनी बेई के तीन स्टूडेंट थे, वार्ड, बोरोनिन एंड मिलाड्रेट। वार्ड ने क्या की थी? कोफिरस की डिस्कवरी की थी। बोरोनिन ने क्या किया था? क्लब रूट की डिस्कवरी की थी। और मिलाड्रेट जिसने जिन्होंने अपने क्या किया था? बोडेक्स मिक्सचर की डिस्कवरी की थी। ठीक है, क्या क्या होता है बोडेक्स मिक्सचर में? कॉपर सल्फेट, लाइम एंड वाटर। किस रेशियो में होता है? 5 पाउंड 5 पाउंड एंड 50 गैलन, 50 गैलन वाटर, 5 पाउंड लाइम एंड 5 पाउंड कॉपर सल्फेट। ठीक है, आगे लिखाऊंगा मैं, अभी आ रही है वापस। हेमेलिया वेस्टेटिक्स। चलो ऑर्डर भी लिख लो इसका साथ, कौन सा ऑर्डर की है, ऑर्डर वगैरह सब अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन एकदम इन्फॉर्मेशन के लिए लिख लो इसे। पक्सिनेस, PUCCINALES। ठीक है, पक्सिनेस, इसका ऑर्डर भी लिख लेना। आइरिस पेपाइन के फाइटोप्टेरा इन्फेस्टिन का ऑर्डर लिख लेना। पर्नोस्पोरेल्स, पर्नोस्पोरेल्स, PERNOSPORALES। ठीक है, समझ में आ गया? आयरिश पेपाइन पूरा पढ़ लिया था मैंने कल और आज भी पढ़ लिया है। कॉफी लीफ रस्ट फर्स्ट रिपोर्टेड कहाँ पे हुई थी? अफ्रीका में कब हुई थी? 1861। एंड फर्स्ट एपिडेमिक रिपोर्टेड कहाँ पे हुई थी? 1869 में। कहाँ पे? सीलोन श्रीलंका में। और इंडिया में कब आई थी? 1870। कहाँ से आई थी? सीलोन श्रीलंका से। डिस्कवरी किसने की थी? HM वार्ड। ठीक है, नेक्स्ट है अपना डाउन मिल्डियो ग्रेप्स। कब आया था? 1878। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स, कहां पे आई थी? फ्रांस में, 1878 में आई थी। 1878 देख दीजिए आप, कोजल हो रही है इसका, प्लाज्मोफोरा विटिकोला। ठीक है, डाउनली मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स, प्लाज्मोफोरा विटिकोला। विटिकोला, VITICOLA, विटिकोला। ठीक है, ऑर्डर क्या है इसका? पर्नोस्पोरेंस। ठीक है, और इस डिजीज के कंट्रोल के लिए पीएम मिलाडेट ने क्या किया था? बोर्डेक्स मिक्सचर की डिस्कवरी की थी। ठीक है, तो लिख लो फॉर कंट्रोल डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स या दिस डिजीज, प्रोफेसर P.A. मिलाड्रेट
डिस्कवर बोर्डेक्स मिक्सचर। बोर्डेक्स मिक्सचर दोनों प्रॉपर्टी थी इस बोर्डेक्स मिक्सचर में, फंजीसाइड एंड बैक्टेरियासाइड की दोनों की, बैक्टेरिया साइड एंड फंजीसाइड बहुत प्रॉपर्टी, ठीक है। बैक्टेरियासाइड एंड फंजीसाइड की बहुत प्रॉपर्टी थी इसमें। क्या कंपोजिशन होता है बोर्डेक्स मिक्सचर का? कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस लाइम प्लस वाटर। कितना कितना होता है, क्या रेशियो बताया था कल? कल यूनिट नहीं बताई थी, आज यूनिट लिख लेना। 5 pound लाइम भी 5 pound वाटर कितना होता है? 50 gallon GALLON LLON, ठीक है, गैलन। 5 pound 5 pound एंड 50 gallon, ठीक है। 5 pound 1 pound इज इक्वल टू क्या होता है केजी में, लिख लो यहाँ पे साइड में। 1 pound इज इक्वल टू 0.0454 kg, मतलब क्या हुआ इसका अप्रोक्सीमेटली 500 ग्राम के समथिंग, ठीक है। 0.454 kg, नहीं समझ में आ रहा था, एक बार वापस लिख लो। ठीक है। और गैलन का मतलब क्या होता है, 1 gallon का मतलब क्या होता है? 1 gallon ये आएगा अपने लीटर में, क्योंकि लिक्विड है, लिक्विड यूनिट है। 4.55 liter अप्रोक्सीमेटली 4.5 liter के समथिंग, ठीक है। डाउनोमिडियो ग्रेप्स कहाँ पे आई थी? फ्रांस में आई थी। कब आई थी? 1878, ठीक है। क्या कौन सा ऑर्डर इसका? प्लाज्मोपोरा विटिकोला। ऑर्डर क्या है? पर्लोस्पोरेंस, ठीक है। और इस डिजीज के कंट्रोल के लिए प्रोफेसर पी ए मिलाडे ने क्या किया था? बोर्डेक्स मिक्सचर की डिस्कवरी की थी, जिसमें किसकी थी प्रॉपर्टी है? बैक्टेरियासाइड एंड फंजीसाइड दोनों की, ठीक है। और अपने कंपोजिशन क्या क्या है इसका? कॉपर सल्फेट लाइम प्लस वाटर, क्या क्या इसका रेशियो है? 5 gallon कॉपर सल्फेट, 5 gallon लाइम एंड 5 gallon पाउंड 5 pound कॉपर सल्फेट, देन 5 pound लाइम, देन 50 gallon वाटर, ठीक है। और 1 gallon इज इक्वल टू क्या होता है? 0.454 kg एंड 1 gallon इज इक्वल टू क्या होता है? 4.55 liter, ठीक है। एक और बच गई अपने, बंगाल से मई। कब आई थी ये? 1943। बंगाल बेमाई कब? 1943। कहाँ पे आई थी? बंगाल में, ठीक है, वेस्ट बंगाल। किससे हुई थी? ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस डिजीज। किससे? कौन सी डिजीज हुई थी? ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस किससे होती है डिजीज? कोजल है इसका, एल्मिंथोस्पोरस, स्पोरियस स्पीसीज, ठीक है। या लिख लो आप ओराइजा, ठीक है। तो ये जो डिजीज आई थी इसकी वजह से एक इंस्टीट्यूट डेवलप हुआ था। कौन सा इंस्टीट्यूट? CRRI, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पे? वो कटक उड़ीसा में, ठीक है। इस डिजीज के बाद कौन सा इंस्टीट्यूट डेवलप हुआ था? CRRI, फॉर कंट्रोल ऑफ दिस डिजीज। विच इंस्टीट्यूट वाज डेवलप? लिख ले ऐसा डायरेक्ट आ जाए।
नीचे क्वेश्चन टाइप में लिख लेना, डिजीज विच, या डायरेक्ट आप ऐसा लिख लो, आफ्टर दिस डिजीज डिजीज इंस्टीट्यूट वाज डेवलप विच इज CRRI, क्या फुल फॉर्म है इसकी, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, कहां पे, कटक उड़ीसा, कटक उड़ीसा। ठीक है, ठीक है साथियों, ये लगभग अपने साइंटिस्ट और डिजीज की हिस्ट्री लगभग कंप्लीट है। तो आज के लिए बस इतना सही, अच्छे से तैयारी करना। क्लासेस अपनी लगभग आज के हिसाब से 4 क्लासेस हो गई है लगभग, और उनमें अपन ने कंप्लीट ये जो बेसिक बेसिक था अपन ने क्लियर कर लिया है। और इसके बाद अपन थोड़ा बहुत और बच रहा है, एक और वो लिख लेना आप, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज में अपन ने एक वो नहीं लिखा था, फर्स्ट अपन ने ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल एरिया के बारे में तो लिख लिया था। डिजीज क्लासिफिकेशन देख लो आप, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, इसमें बेस्ड ऑन जोग्राफिकल एरिया हो वो तो देख लिया था अपने, कौन कौन से थी, एंडेमिक एपिडेमिक स्पोरेडिक एंड पेंडेमिक। ठीक है, और एक अपन ने अपने थी वो बेस्ड ऑन इनोकुलम या बेस्ड ऑन कोजल एजेंट, बेस्ड ऑन कोजल एजेंट कौन से थे अपने, बायोटिक अबायोटिक एंड मेसोबायोटिक। ठीक है, अब अपन ने लास्ट में एक रह गई थी वो बेस्ड ऑन इनोकुलम, तो ये लिख लेना, कहीं ऐड कर लेना, बेस्ड ऑन इनोकुलम। ठीक है, कौन कौन सी इसके भीतर, इसमें एयरबोर्न, ये तो शायद समझाने की जरूरत नहीं, एयरबोर्न जो डिजीज जो एयर से ट्रांसमिट होती है बाय एयर, तो क्या बोलते हैं अपन, एयरबोर्न डिजीज। ठीक है, कौन कौन सी है इसमें, एग्जांपल लिख लो, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, लीफ स्पॉट, लीफ स्पॉट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप ने सीड बोर्न, कौन कौन सी इसमें, बर्न स्मट एंड टुंडू, बर्न स्मट एंड टुंडू डिजीज, ये किससे होती है, सीड से। लास्ट कौन सी अपनी, सोयल बोन डिजीज, थर्ड सोयल बोन डिजीज। ठीक है, इसमें कौन सी अपनी, रूट रोट, डायरेक्टली में रोट, डैम्पिंग ऑफ किससे होती है, सोइल बोन से। ठीक है, ये को लिख लेना इसमें, विल्ट, और ये आपने लिख लिया रूट रोट, रोट मत लिखना, रूट रोट डैम्पिंग ऑफ एंड विल्ट। ठीक है, बेस्ड ऑन इनोकुलम आपने आज बता दिया है, और उससे पहले अपन डिजीज क्लासिफिकेशन में बेस्ड ऑन जोग्राफिकल एरिया एंड बेस्ड ऑन कोजल एजेंट, इसके वो दोनों अपने पहले पढ़ लिए, तो ये लास्ट वाला है अपना, बेस्ड ऑन इनोकुलम, एयरबोर्न, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू एंड लीफ स्पॉट, तीन एग्जांपल इसके। सीड बोर्न में कौन कौन सी, बर्ड स्मट एंड टिंडू, एंड सोइल बोर्न में रूट रोट डैम्पिंग ऑफ एंड विल्ट। ठीक है, आज के लिए बस इतना सही।